नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले, फर्स्ट ये हमारा क्यू एंड ए की सीरीज है, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, आपके क्वेश्चन होंगे, हम आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें किसी व्हाट्सएप फ्रेंड ने भेजा है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर पांच हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसको हम आसान तरीके से आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का किया जाएगा। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये था आपका, पांचवा ये था, और सिक्स नंबर ये दे रखा था। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों आज की सीरीज शुरू किया जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही था ना हमारा। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसमें ये दे रखा है। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का दो। ठीक है, तो मतलब जो बराबर में रहेगा उसको ए मान लेंगे। ठीक है, इसको ए मान लेंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी मानी हमने, पांच। ठीक है, तो पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, पांच का स्क्वायर माइनस दो बराबर, उत्तर कैसे आ जाएगा दोस्तों, पच्चीस माइनस दो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तेईस। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ और आपको थोड़ा और दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा था, अगर मान लीजिए बगल में ऐसा कुछ दिखा होता क्वेश्चन, जैसे x प्लस वन बाई एक्स बराबर तीन। ठीक है, तो अगर ये पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो इसमें कितनी हो जाती है, तो सीधे से इसमें क्या हम करते हैं, ब्लैक पेन का यूज करते हैं, तीन का स्क्वायर पहले करते हैं ना, एक वैल्यू तीन हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू कितनी हो गई थी, दो हो गई थी, तो यहाँ पर एक वैल्यू कितनी हो जाती, तीन हो जाती ना, तो तीन का स्क्वायर माइनस दो, फार्मूले से तीन स्क्वायर कितना होता है, नौ माइनस का दो, तो इसका आंसर कितना हो जाता हमारा, सात। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ भी चेंज करे, पांच छह सात आठ, तो वैल्यू फार्मूला ये रहेगा हमारा, क्या फार्मूला रहेगा, ये रुकिए, ये तो फार्मूला आपका लिखा है, फार्मूला हमारा ये रहने वाला है, ए स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, क्या फार्मूला रहेगा, फिर से लिख के दिखा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस का दो, हमेशा ये रखेंगे, आंसर हमारा हर बार आ जाएगा। ठीक है, इसको रट्टा मार लेंगे, देखिए ब्लैक में तो हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। तो दूसरा दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस नौ अपॉन एक्स क्यूब माइनस सत्ताईस को सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे रूप में, सरलतम। तो ये आपका फार्मूला किसका दिख रहा है दोस्तों, ये फार्मूला हमने पढ़ा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो जो ये देखा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन स्क्वायर, तो हम इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए एक्स स्क्वायर और नौ को क्या लिख सकते हैं, तीन का स्क्वायर। ठीक है, नीचे एक्स क्यूब और ये लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब माइनस तीन का क्यूब, तीन का क्यूब कितना होता है, सत्ताईस होता है। ठीक है, कैसे, तीन को तीन बार आप गुणा करके देखिए, तीन गुणे तीन गुणे तीन, सत्ताईस आ रहा है क्या, देखिए तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो अब ऊपर क्या होता है, ये फार्मूला हमारा कौन सा बन गया, ये वाला बन गया क्या, है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं, एक्स माइनस तीन और एक्स प्लस तीन। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों हम इसको देखिए, एक चीज पहले ध्यान से देखिए, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, चलिए इसको हम बगल में आपको लिख के दिखा देते हैं। पहले अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ठीक है, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हो गया, प्लस का बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला लिख सकते हैं, तो वैसे इसको तोड़ लेते हैं, इस फार्मूले को तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, पहले क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, यहां से देखिए पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ना, तो जब इसको ए माइनस बी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस तीन पहले। ठीक है, फिर क्या लिखा था, इधर देखिए ध्यान से आप लोग, ये ब्रैकेट में ना,
तो पहले लिखा था हमने ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह इधर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर जगह एक्स है ना, तो यहाँ हो जाएगा पहले एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में फार्मूला में क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए भी दिख रहा है ए और बी, तो ए और बी तीन और एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x गुणा में, ठीक है। फिर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ देखिए फार्मूला क्या लिखा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैसे लिखा गया है, ऐसे लिखा है बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर की जगह तीन है, बी की जगह तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन का स्क्वायर, ठीक है ऐसे। तो अब इसमें क्या क्या कट रहा है, इसको इसको काट देंगे ना, सेम है, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, एक्स प्लस तीन बटे में लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9, तीन का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, इंटू में है ये ना, तो इसको सॉल्व करना है। अब बीच में किसका चिन्ह है, भाग का, तो कर लेते हैं इसको नॉर्मली। तो सबसे पहले एक चीज हम करते हैं, इसको काट वाट के हटा देते हैं जो जो कटती है पहले। यहाँ देखिए एक्स वाई एक बार है, तो यहाँ से भी एक एक्स वाई कट गया, तो यहाँ पर पहले तीन था ना एक्स क्यूब है, तो यहाँ से एक कट गया, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर, बचा एक चला गया ना अभी, ठीक है। और वाई दो टू था, तो एक बचेगा वाई, ये बचा यहाँ पर खाली, इसकी घात माइनस दो, ठीक है, बीच में भाग का चिन्ह है। तो और क्या लिखा है देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से भी एक्स वाई कट गया, ऊपर बचा एक बटे दो है था ना एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कट गया तो बचा एक एक्स, यहाँ वाई तीन था वाई क्यूब, तो यहाँ कितना बचा वाई स्क्वायर, ठीक है, की घात माइनस थी, ठीक है ना, ये था, ठीक है। अब आगे क्या करना है देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, आपको एक चीज पता है, जैसे x की पावर दो हो और ऐसे लिखा हो, ठीक है, एक बटे x की पावर दो, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, x की पावर जब दो ऊपर जाएगा तो माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं, इसको नीचे अगर लेके आएंगे फिर आगे x की पावर नीचे लाना होगा, इसको जैसे इसको नीचे लाएंगे एक बटे फिर x की पावर प्लस में हो जाएगा ना, ऊपर लाए तो माइनस में हुआ, तो नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा चिन्ह, तो यहाँ भी ये कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ कर ही लेते हैं अभी, कितना हो जाएगा दोस्तों एक बटे एक्स स्क्वायर वाई की पावर दो, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, ये भाग का चिन्ह है, इसको जब हम गुणा में बदलते हैं तो आपको पता है ना आगे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर की घात माइनस तीन, ठीक है ना, ये हो जाएगा, इसको हम चिन्ह को बदल दिए अभी, अब आगे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको ध्यान से आप देखिए, ये घात, ये गुणा मैंने, तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की घात माइनस तीन, ठीक है, अंदर गुणा कर रहे हैं, और वाई की घात सही से लिखा नहीं, वाई की घात तीन दूनी छ माइनस का छ, ये है सब गुड़ा में, ठीक है, बड़ा सा साइन गुड़ा का, ये गुड़ा का साइन है, रुकिए एक मिनट, गुड़ा का चिन्ह बदल देते हैं, गुड़ा का चिन्ह हम ब्लैक पेन से करेंगे, ये गुड़ा का चिन्ह है, ठीक है। और इधर क्या बचा था हमारा, एक बटे, इसको भी गुड़ा कर लेते हैं, एक्स की पावर चार हो जाएगा, दो दूनी चार वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब इसको भी ऊपर ले जाते हैं ना, अगर एक्स की पावर चार ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और वाई की पावर माइनस दो हो जाएगा यहाँ, ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह हटाते हैं, एक्स की पावर फिर कितना है माइनस तीन, वाई की पावर माइनस सिक्स, तो जुड़ जाती है, देखिए एक्स एक्स की है तो एक एक्स कर लेंगे, देखिए गुणा में हमेशा घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। और y की पावर कितना आपका माइनस दो माइनस छह, अगर प्लस का चिन्ह होता तो तब भी जुड़ जाता, फिर x की पावर कितना बचा दोस्तों माइनस सात इंटू वाई की पावर माइनस आठ, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना।
दोस्तों तो समझ में आ गया ना आपको ये क्वेश्चन, तीसरा नंबर। अगर इस क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो ठीक है, तो आप कमेंट करके हमसे ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन देखें, तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। अब ये पहले लिखा था 6 का स्क्वायर का होल क्यूब गुणे में 12 की घाते 4, और भाग में कितना था, 4 की घाते 5 गुणे 9 की घात 4, ठीक है। इसको 1 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए आए तो पूरा प्रोसेस सही दिखाएंगे। तो कैसे होगा ये देखते हैं पहले। 6 का स्क्वायर है ना, तो पहले लिखेंगे 6 को 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। अब इसका क्यूब है मतलब, ठीक है। तो आपको चलिए पहले समझा के बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ऊपर क्या है, 12 की घात कितना, ये 4 है ना, तो 12 गुणे 4 बार लिख सकते हैं 12 को। ठीक है। और बटे में कितना है देखिए आप, ये 4 की घात 5 है और 9 की घात 4 है, तो ये कर लेते हैं, 4 को 5 बार लिख देते हैं, 4 की घात 5 है ना, तो 4 को 5 बार लिखना। बिल्कुल आसान बात है, मैं पहले आपको समझाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म बनेगा इसका। और 9 की घात कितना है, 4, 9, 9, 9, 4 बार 9 को लिख लेंगे। अब काटना वाटना शुरू कर दिया जाए, कैसे कैसे कटेगा। 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। सभी 4 से 1 1 4 कटेगा ना, ये वाला भी 4 कट गया, यहाँ 3 आ गया, फिर ये 4 कटेगा, 4 3 12, फिर ये 4 कटेगा, यहाँ 3 बार और, ठीक है। तो 1 4 अभी बच रहा है ये वाला, तो उसको बाद में देख लेंगे कैसे काटना है। तो फिलहाल 3 जब तक है, ये 2 3, 203 त्रिका कितना हो गई है, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 3 से 1 9 कट गया, ये 3 गुणे 3 करेंगे इसको 9 हो जाएगा, 1 9 ये कट गया। तो अभी क्या क्या बच रहा है देख ले, उतार लेते पहले। ऊपर बच रहा है 6 गुणे 6 की पावर 3, ये बच रहा है, और ऊपर तो सब कट गया, कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचेगा हमारा, एक इनमें का ये वाला 4 बच रहा है, और 2 तो 9 बच रहे हैं अभी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब भाई इनकी घाते खोल लेते हैं, 6 गुणे 6, इसको कितनी बार लिखना, 3 है ना घात, तो 3 बार लिख लेते हैं, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। और बटे में कितना है, 4 गुणे 9 गुणे 9, तो दोस्तों 4 9 कितना होता है, 36 होता है, होता है ना। चलिए अगले स्टेप में करेंगे इसको। तो पहला 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 6 गुणे 6 दोबारा वाला नहीं कुछ करते हैं, लिख लेते हैं वैसे वैसे, और दोबारा और है इसको लिख लेते हैं 6 गुणे 6, ठीक है ना। तो ये 4 गुणे 9 कितना हो गया था हमारा, 36 हो गया था, और ये एक 9 बच रहा था, और ये 9 लिख लेते हैं, 1 36, ये 36 कट गया, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 दूनी 6 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6, सबको गुणा कर लेते हैं जो आएगा वही आंसर होगा, 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36 दूनी 72 दूनी 144। तो आपका ये से हो जाए, क्या क्या बचा, 2 पहले लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 2 दूनी 4 6 24, 24 6 142, कितना होता है, 36 दूनी 72 दूनी 144, ठीक है। आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिनका क्वेश्चन है प्लीज वो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि ये आंसर मेरे सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 सेकंड का, अगर आपको थोड़ा सा आपको बेसिक पता है, चलिए ठीक है, पहले हम बता देते हैं ये कैसे करना है। इसका भी फार्मूला होता है, a³ + b³ का फार्मूला एक हमने पढ़ा है पहले। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a+b, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, a³ - b³ का फार्मूला है, a+b, ठीक है। फिर इसमें लिखते हैं a² - ab + b², ठीक है। ये हमारा होता है फार्मूला, तो उसी में रखना है हमें। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, x³ + 8y³, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ + 2y³, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना, 8 को 2 गुणे 2 8 को हम ये लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो इसको बराबर लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो वैसे 2y³ हो गया यहाँ पर,
तो इसको हम फार्मूले में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस टू वाई, और दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू वाई का होल स्क्वायर और प्लस का ए बी, मतलब ठीक है ए और बी, तो एक्स इंटू टू वाई ये हो जाएगा। तो हमें एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू देखिए ये वाली ना, यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन में देखिए ये वाली वैल्यू ये वाली ना, इसकी जगह ये रख देते हैं, तो सबकी जगह सब वैल्यू हम रख के देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, एक्स वाई की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, दूसरी वाली देखिए एक्स वाई जगह, तो रख के देख लिया जाए दोस्तों, तो रखते हैं। तो एक्स प्लस टू वाई की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर, आठ हो जाएगा ये, ठीक है अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं दोस्तों टू वाई का क्या हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स इंटू वाई, एक्स वाई की जगह छह है ना, तो छह गुणे दो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, छह गुणे दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं अभी देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का फोर वाई स्क्वायर प्लस का बारह और ये आठ बाहर में, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखो, देखने पर आपको एक चीज और लग रहा होगा, यहाँ पर हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाएंगे हम पहले पूर्ण वर्ग, तो कैसे बनता है ये देखते हैं आके। जैसे ये आपने ये पढ़ा ना, जैसे इसको लिखना होगा, अगर एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर प्लस फोर वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो कैसे क्या हो सकता है, इसको हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं ना, तो कैसे बनेगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के रूप में हमें बनाना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह हमारा फोर वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस टू ए बी लाना है इसमें, तो क्या लाना है टू लाना है, ए की जगह एक्स हो जाएगा और बी की जगह कितना हो जाएगा टू वाई होगा ना, टू वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो गया ये फोर एक्स वाई। तो इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें इस वाले में इसको इक्वेशन समीकरण एक मान लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे फोर एक्स वाई जोड़ेंगे और फोर एक्स वाई को घटा भी देंगे, घटा भी देंगे, ठीक है, अगर जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इस इक्वेशन में हम करके देखते हैं क्या था हमारा, आठ था प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, प्लस फोर वाई स्क्वायर था, ठीक है, तो इसमें हम चार एक्स वाई जोड़ते हैं पहले, चार एक्स वाई और माइनस चार एक्स वाई घटा देते हैं, तो क्या दोस्तों कोई फर्क पड़ा क्या, इसको ऐसे काट देंगे जीरो हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, बारह। आपको समझ में आना चाहिए, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, तो इसको एट लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, टू वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखिए चार को दो गुणे दो लिख सकते हैं ना, चार को हम दो गुणे दो लिख सकते हैं कि नहीं, तो बस वैसे ही है, वाई की जगह वाई स्क्वायर प्लस का फोर एक्स वाई, ठीक है। अब आप इतने भाग को देखिए, खाली कितना, इतना भाग को देखना है आपको, तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है ये वाला, देखिए अब माइनस वाला नहीं लेंगे कि एक्स प्लस टू आई का, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, आगे लिख लेते पहले क्या क्या है, और फोर एक्स वाई प्लस का बारह, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने भाग को हम लिखेंगे देखिए इधर, तो दोस्तों जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं आप ये सब देख रहे हैं ना, तो ये तो एक फार्मूला बन गया, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, सब ब्रैकेट में ही है एक आपके, माइनस फोर एक्स वाई प्लस का बारह। तो दोस्तों एक ये हमें पता है यहाँ पर एक्स वाई के हमें मान पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर कहाँ मिली थी, ये एक्स वाई की जगह हम छह लिख सकते हैं ना, और एक्स प्लस टू वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों ऊपर से आठ लिख सकते हैं, देखिए ये आठ लिखा है ना, तो बस हम सबकी जगह जो लिखना है लिखते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा, ये वाला आठ तो भूलिए मत पहले, ठीक है, तो इसकी जगह आठ लिखेंगे,
आठ का स्क्वायर माइनस चार एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो गया, छह हो जाएगा, प्लस का 12 इंटू में 8, तो उसको हल कर लेंगे। 8 अट्ठी 64 होता है, ठीक है, माइनस 6 चौक 24 प्लस का 12, तो जोड़ लेते हैं। 64 में से 24 घटाएंगे पहले इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा पहले इतना करते हैं पोर्शन। तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 40 बचेगा प्लस का 12 इसमें और जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, इंटू 8, 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, गुणे 8, 8 इधर लिख लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखे। तो 8 दूनी 16 का 6, 8 5 40, 1 41, तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी को हमें सिंप्लीफिकेशन करना था, सरल करना था, ठीक है। इसका आंसर हमारा कितना आया दोस्तों, अभी 416 आया, ठीक है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में इसको 416 जो आया अभी आपको उत्तर, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपका ये 5 सेकंड वाला हमारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन देखते ही सोल्यूशन इसका हम बताने की अगली वीडियो में कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये हमारा पहला Q&A क्वेश्चन था। जवाब मेरा कोई ना जवाब।